जानते हैं शिव पुराण में ऐसे कई सारे उपाय बताए गए जो हम अगर करते हैं तो जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त होता है। भोले बाबा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग के कई प्रकार के रूप के बारे में बताया। आप जानते हैं हीरे के डायमंड के शिवलिंग का पूजन करने से, डायमंड के शिवलिंग का आप घर में स्थापित करके पूजन करते अभिषेक करते हैं तो धन की प्राप्ति होगा, धन की प्राप्ति होगा। अगर आप राजनीति में आगे पहुंचना चाहते हैं तो पन्ना के शिवलिंग, पन्ना आप जानते हैं पन्ने का शिवलिंग का आप पूजन करते अभिषेक करते हैं तो राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नीलम के शंकर जी का, जो नीलम स्टोन का शंकर जी शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, नीलम के शंकर जी का अगर आप पूजन करते हैं अभिषेक करते हैं तो ग्रहों की प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाता है। अगर आप मक्खन के शिवलिंग का पूजन करते अभिषेक करते हैं तो आपके घर में, आपके बच्चों के विवाह में कभी देरी नहीं होगी। विवाह में रुकावट है तो मक्खन के शिवलिंग का पूजन करिएगा। मक्खन का शिवलिंग कैसा, मिट्टी को जब मिट्टी से निर्मित किया जाता है तो थोड़ा सा मक्खन मिला करके शिवलिंग निर्माण किया जाता है। अगर आप इस प्रकार पूजन करते हैं तो घर में आपके बच्चों के विवाह में जो रुकावट है वो रुकावट खत्म हो जाएगा और शीघ्र ही सुंदर विवाह हो जाता है। इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं आप। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में अनबन हो रहा है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो मक्खन के शिवलिंग का पूजन करें। और आप तांबे के, ताम्र के शिवलिंग का पूजन करते हैं अभिषेक करते हैं तो वंश वृद्धि के लिए अत्यंत लाभदायक माना गया। शिव पुराण के इस सुंदर उपाय का आप अवश्य ही पालन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिसको श्रवण करने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। केवल श्रवण करने से काम नहीं चलेगा, ये काम, ये नियम अवश्य करिएगा। शिव पुराण में सुंदर उपाय बताए गया। हम सब जानते हैं शिव पुराण में ऐसे कई सारे उपाय बताए गए जो हम अगर करते हैं तो जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त होता है।